प्लूरल डिफ्यूजन या अपन बोल सकते हैं बच्चों थोरों को सिंथेसिस अपना क्या टॉपिक रहने वाला है बच्चों प्लूरल इफ्यूजन या अपन बोल सकते हैं थोरोको सेंटेसिस। तो अपन जान के चलेंगे प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है, थोरोको सेंटेसिस प्रोसेस क्यों की जाती है बच्चों। तो अपन यदि बात कर ली जाए ए स्मॉल नीडल ए स्मॉल नीडल इज इंसर्टेड इनटू द प्लूरल स्पेस थ्रू चेस्ट वॉल। यदि बात करके चले बच्चों प्लूरल इफ्यूजन या थोरोको सिंथेसिस प्रोसेस यदि बात कर ली जाए इस स्मॉल नीडल, कैसी नीडल बच्चों, एक स्मॉल नीडल क्या करते हैं इंसर्टेड करते हैं किसके अंदर, प्लूरल स्पेस के अंदर। क्या करने के लिए बच्चों, प्लूरल स्पेस के अंदर एक स्मॉल नीडल को इंसर्ट करके चलते हैं थ्रू द चेस्ट वॉल। कहां से बच्चों, थ्रू द किसके द्वारा, चेस्ट वॉल के द्वारा। कौन सी कंडीशन के अंदर, प्लूरल इफ्यूजन या थोरोको सिंथेसिस के अंदर। यदि बात कर ली जाए नॉर्मल प्लूरल फ्लूड कितना होता है लंग्स के अंदर, नॉर्मल यदि बात करें प्लूरल स्पेस के अंदर नॉर्मल फ्लूड कितना होगा बच्चों 10 to 15 ml, नॉर्मल होता है 10 to 15 ml। यदि बात कर ली जाए एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूड इन द प्लूरल स्पेस देन इट इज कॉल्ड ए प्लूरल इफ्यूजन। नॉर्मल प्लूरल फ्लूड 10 to 15 ml इफ ए एक्यूमुलेशन ऑफ ए एक्सेसिव फ्लूड इनटू द प्लूरल स्पेस देन इट इज ऑल्सो नोन एज प्लूरल इफ्यूजन।
यदि बात करके चले क्या होता बच्चों, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन देखने को मिले कहां पर, प्लूरल स्पेस के अंदर। किसके अंदर? प्लूरल स्पेस के अंदर। यदि नॉर्मल की बात कर ली जाए तो कितना होता है, 10 to 15 ml यदि प्लूरल स्पेस, यदि प्लूरल स्पेस के अंदर एक्सेसिव ज्यादा क्या हो जाए, फ्लूड का एक्यूमुलेशन हो जाए कहां पर बच्चों, प्लूरल स्पेस। हमेशा याद रखना प्लूरल स्पेस के अंदर, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज ए प्लूरल इफ्यूजन, इट इज ऑल्सो नोन एज ए प्लूरल इफ्यूजन। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले बच्चों, सेकेंड वन यदि पर्पज की बात कर ली जाए, ऐसा क्यों करते, थोड़ों को सेंटेसिस के प्रोसेस को क्यों परफॉर्म किया जाता है। यदि पर्पज की बात करके चले तो क्या पर्पज होगा बच्चों, पर्पज यदि बात कर ली जाए पर्पज के, फॉर डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक पर्पज दिस प्रोसीजर, दिस प्रोसीजर, दिस प्रोसीजर इज परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड फॉर डायग्नोस्टिक एंड, डायग्नोस्टिक एंड एंड थेरेप्यूटिक, थेरेप्यूटिक पर्पज। यदि बात कर ली जाए उद्देश्य, किसकी बात कर ली जाए बच्चा, उद्देश्य की बात कर ली जाए, कौन से प्रोसीजर की, थोड़ों को सेंटेसिस प्रोसीजर की, तो क्या होगा, यह प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है बच्चों क्यों, या तो अपन बोल सकते हैं डायग्नोस्टिक पर्पज, डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। सेकेंड वन यदि बात कर लीजिए थेरेप्यूटिक पर्पज, और किसके लिए बच्चों, ठीक करने से, यदि कोई डिजीज कंडीशन है, या तो हीमोथेरेक्स, अपने इंडिकेशन के अंदर पढ़ के चलेंगे, या तो हीमोथेरेक्स से ब्लड का कलेक्शन हो गया है, न्यूमोथोरेक्स एयर का कलेक्शन हो गया है बच्चों, या अपन बोल सकते हैं बच्चों हाइड्रोथोरेक्स, क्या बोल सकते हैं बच्चों, हाइड्रोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स का मतलब क्या होगा बच्चों, वाटर का क्या हो गया है, एक्यूमुलेशन हो गया है। तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करके चलते हैं, थोड़ों को सेंटेसिस, थोड़ों को सेंटेसिस प्रोसेस। यदि बात कर ली जाए, अभी तक अपन ने बात की थोरोकोसिंथेसिस के अंदर, सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, एक स्मॉल नीडल को इंसर्ट किया जाता है किसके अंदर, प्लूरल स्पेस के अंदर, किसके द्वारा, थ्रू द चेस्ट वॉल। नॉर्मल प्लूरल फ्लूड क्या होगा बच्चों, 10 to 15 ml, इफ एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव फ्लूड, यदि एक्यूमुलेशन हो जाता है एक्सेसिव फ्लूड इन टू द प्लूरल स्पेस, कहां पर, प्लूरल स्पेस के अंदर, देन इट इज ऑल्सो नोन एज प्लूरल इफ्यूजन, और इसी को क्या बोला जाता है बच्चों, प्लूरल इफ्यूजन। पर्पज की अगर बात की जाए, दिस प्रोसीजर is performed for a diagnostic and a therapeutic purpose. Next one अपन बात कर लेते हैं बच्चों indication, किसकी बात कर लेते हैं, indication कौन कौन से ऐसे cases होंगे जिसके अंदर अपन perform करके चलते हैं, तो अपन बात कर लेते हैं indication, इंडिकेशन फर्स्ट वन इज हाइड्रोथोरेक्स, हाइड्रो थोरेक्स इफ ए एक्यूमुलेशन ऑफ ए of a fluid of water into the pleural space. यदि बात कर ली जाए कौन सी कंडीशन है बच्चों, हाइड्रोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स की कंडीशन है, उसके अंदर भी क्या करके चलते हैं बच्चों, कौन सी कंडीशन, थोरोकोसिंथेसिस प्रोसेस को क्या करके चलते हैं बच्चों, अप्लाई करके चलते हैं। सेकंड वन इज द न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स
थोरैक्स, इफ एक्सेसिव, इफ एक्सेसिव, इफ एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ ऑफ एयर एयर इनटू द इनटू द प्लूरल स्पेस इनटू द प्लूरल स्पेस। यदि क्या है बच्चों, प्लूरल स्पेस के अंदर एक्सेसिव एक्यूमुलेशन है किस चीज का, एयर का, तो उस कंडीशन के अंदर भी परफॉर्म करते हैं कौन से प्रोसीजर को, थोरकोसिंथेसिस। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए हीमोथोरेक्स, थर्ड वन इज द हीमो हीमो थोरेक्स इफ एक्सेसिव इफ एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ ऑफ ब्लड ऑफ ब्लड इनटू द ब्लड इनटू द प्लूरल स्पेस प्लूरल स्पेस। यदि क्या है बच्चों, प्लूरल स्पेस के अंदर किस चीज का एक्यूमुलेशन हुआ है ब्लड का, किसका बच्चों, ब्लड का, तो उस कंडीशन के अंदर भी इंडिकेट किया जाता है कौन सी कंडीशन को बच्चों, कौन से प्रोसीजर को, थोरकोसिंथेसिस। स्मॉल नीडल को सेट करेंगे कहां पर, प्लूरल स्पेस के अंदर, किसके द्वारा बच्चों, थ्रू द चेस्ट वॉल, थ्रू द चेस्ट वॉल। यदि बात कर ली जाए तीनों के तीनों इंडिकेशन है कंडीशन के अंदर क्या परफॉर्म करते हैं बच्चों, थोरकोसिंथेसिस की प्रोसेस को प्रोसीजर को अप्लाई करके चलते हैं। या तो क्या हुआ है, फ्लूड का एक्यूमुलेशन हुआ हो, या एयर का एक्यूमुलेशन हुआ हो, या ब्लड का एक्यूमुलेशन हुआ हो। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं बच्चों प्रोसीजर, प्रोसीजर के दौरान यदि बात कर ली जाए आर्टिकल्स की, क्या क्या, कौन कौन से आर्टिकल्स की क्या होती है बच्चों, नीड होती है, तो अपन बात कर लेते हैं प्रोसीजर प्रोसीजर आर्टिकल्स। फर्स्ट वन इज द 16 गॉज नीडल। यदि बात करके चले बच्चों नीडल कितने गॉज की लेनी है बच्चों, 16 गॉज नीडल यूज करनी है, 16 नंबर या 16 गॉज की नीडल को यूज करके चलना है बच्चों, हॉलो थिक हॉलो नीडल, थिक हॉलो नीडल will be used during perform thoracosynthesis procedure, thoracosynthesis प्रोसीजर। नेक्स्ट में यदि अपन बात करके चले सेकंड आर्टिकल क्या लेना होगा बच्चों, सभी बच्चों को मैं भी दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, यदि बात कर ली जाए सेकंड आर्टिकल स्टेथोस्कोप, सेकंड आर्टिकल क्या यूज करना है बच्चों, स्टेथोस्कोप यदि बात कर ली जाए स्टेथोस्कोप का यूज क्यों करेंगे बच्चों, एसेस द साइट को एसेस करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, स्टेथोस्कोप का यूज करके चलते हैं। नेक्स्ट वन एंटीकोगुलेंट, यदि बात कर ले जाए एंटीकोगुलेंट
यदि बात करके चले बच्चों एंटीकोगुलेंट के रूप में किसे यूज करेंगे बच्चों, सोडियम सिट्रेट विल बी यूज्ड, सिट्रेट विल बी यूज्ड एज ए एंटीकोगुलेंट, एज ए एंटीकोगुलेंट। यदि बात करके चले बच्चों सोडियम सिट्रेट, क्या क्या लेंगे बच्चों एंटीकोगुलेंट, सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट क्या लेते हैं बच्चों एंटीकोगुलेंट का यूज करके चलते हैं। कौन से टाइम पर बच्चों, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ परफॉर्म थोरोकोसिंथेसिस प्रोसेस। यदि बात कर ले जाए नेक्स्ट वन, यदि अपन बात करके चले एक्सरे, क्या परफॉर्म करते हैं बच्चों, परफॉर्म एक्सरे एक्सरे फॉर एसेस द एक्यूरेट साइट फॉर ए इंसर्टेड द नीडल, इनटू द प्लूरल स्पेस, नीडल इनटू द प्लूरल स्पेस थ्रू चेस्ट वॉल। यदि बात करके चले बच्चों एक्सरे, किसकी बात कर ली जाए एक्सरे की, अपन बात करें एक्सरे क्या क्यों परफॉर्म करते हैं बच्चों, एसेस करने के लिए एक्यूरेट साइट को, किसको बच्चों एक्यूरेट साइट को एसेस करने के लिए परफॉर्म किया जाता है एक्सरे। एक्यूरेट साइट का अगर पता होगा तो अपन क्या कर सकते हैं, इजिली इंसर्ट कर सकते हैं नीडल कहां पर, प्लूरल स्पेस के अंदर थ्रू द चेस्ट वॉल, किसके द्वारा बच्चों चेस्ट वॉल के द्वारा अपन इजिली से क्या कर सकते हैं प्लूरल स्पेस के अंदर इंसर्टेड कर सकते हैं नीडल, स्मॉल नीडल। अपन ने स्टार्टिंग के अंदर डेफिनेशन के अंदर ही बात की थी, स्मॉल नीडल इज इंसर्टेड इनटू द प्लूरल स्पेस थ्रू द चेस्ट वॉल, चेस्ट वॉल के द्वारा क्या करना है बच्चों इंसर्टेड करनी है नीडल। यदि बात कर ली जाए आर्टिकल्स की, अगर बात कर ली जाए तो अपन ने आर्टिकल किस किस के बारे में पढ़ा बच्चों, 16 गॉज नीडल, 16 गॉज नीडल। यदि बात कर ली जाए 16 गॉज के नीडल का यूज करके चलना है, थिक होलो नीडल, कैसी नीडल होगी बच्चों 16 गॉज की नीडल कैसी होगी, थिक होगी होलो होगी नीडल, थिक होलो। यदि बात कर ली जाए होलो मीन्स क्या होगा जो, देखो बच्चों ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्या होगी जो होल होगा वह कैसा होगा बच्चों, थिक होगा नीडल का वह नीडल होगी 16 गोज की नीडल। यूजिंग करते कौन से टाइम पर, परफॉर्म करते टाइम थोरोकोसिंथेसिस प्रोसीजर। नेक्स्ट वन अपने बात की बच्चों स्टेथोस्कोप, क्या यूज करते हैं बच्चों स्टेथोस्कोप का यूज करके चलते ऐसे प्रॉपर साइट, अपन एसेस करने के लिए प्रॉपर साइट को एसेस करने के लिए यूज किया जाता है स्टेथोस्कोप। एंटीकोगुलेंट, कोगुलेंट कोगुलेशन से बचाने के लिए, यदि ब्लड है ब्लड का क्या करें बच्चों अपन ने हीमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स से उस कंडीशन के अंदर थोरोकोसिंथेसिस की प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं तो अपन को एंटीकोगुलेंट का यूज करना है बच्चों। यदि बात कर ली जाए एंटीकोगुलेंट का यूज कौन सी टाइप के एंटीकोगुलेंट का यूज करके चलेंगे, सोडियम सिट्रेट विल बी यूज्ड एज ए एंटीकोगुलेंट, किसकी फॉर्म में तो किसके रूप में यूज किया जाएगा एंटीकोगुलेंट के रूप में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वन परफॉर्म एक्सरे, परफॉर्म करना है बच्चों एक्सरे फॉर एसेस द एक्यूरेट साइट फॉर ए इंसर्टेड द नीडल इनटू द प्लूरल स्पेस थ्रू द चेस्ट वॉल। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले बच्चों पोजीशन, किसकी बात कर ली जाए पोजीशन, यदि पोजीशन की बात करके चले तो कौन सी पोजीशन अपने पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, अपराइट पोजीशन, अपराइट पोजीशन
पोजीशन प्रोवाइडेड टू द पेशेंट, पोजीशन प्रोवाइडेड टू द पेशेंट, टू द पेशेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ए प्रोसीजर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, टाइम ऑफ प्रोसीजर यदि बात करके चले बच्चों, पोजीशन क्या करके चलनी है, प्रोवाइड करके चलनी है पेशेंट को, कौन से टाइम पर, प्रोसीजर के टाइम पर, तो कौन सी पोजीशन अपन प्रोवाइड कर सकते हैं, सबसे पहले अपराइट पोजीशन, कौन सी पोजीशन बच्चों, अपराइट, अपराइट पोजीशन शुड बी प्रोवाइडेड, पोजीशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट, शुड बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट, पेशेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ए प्रोसीजर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ए प्रोसीजर टाइम ऑफ ए प्रोसीजर नेक्स्ट सुनिए, अपन बात करके चले, इंस्ट्रक्ट टू द पेशेंट, इंस्ट्रक्ट टू द पेशेंट, टू द पेशेंट बोथ हैंड्स विल बी एलिवेटेड, इंस्ट्रक्ट टू द पेशेंट बोथ हैंड्स एलिवेटेड अबव द लेवल ऑफ, एलिवेटेड अबव द लेवल ऑफ, अबव द लेवल ऑफ शोल्डर, अबव द लेवल ऑफ शोल्डर यदि बात कर ले जाए, यदि बात करके चले बच्चों, कौन सी पोजीशन अपराइट पोजीशन प्रोवाइड करनी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ए प्रोसीजर, यदि बात कर ली जाए, इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को, बोथ हैंड शुड बी एलिवेटेड या एलिवेटेड अबव द लेवल ऑफ शोल्डर, शोल्डर के लेवल से क्या करनी है, अबव एलिवेटेड करके चलना है। जैसे कि क्या है बच्चों, अभी शो नहीं कर सकते, तो यह क्या है बच्चों, अपराइट पोजीशन में, कैसी पोजीशन में बच्चों, अपराइट पोजीशन में है पेशेंट, और जो हैंड है पेशेंट के वे क्या होने चाहिए, अबव द लेवल ऑफ ए शोल्डर, अबव द लेवल ऑफ शोल्डर क्या होने चाहिए, अप्लाई करने चाहिए। यदि बात कर ली जाए बच्चों, इससे क्या होगा, क्या बेनिफिट मिलेगा इससे, ऐसा करने से जो हैंड्स होंगे उसको एलिवेटेड करने से अबव द लेवल ऑफ ए शोल्डर क्या बेनिफिट मिलने वाला है पेशेंट को, तो क्या होगा, टू इंक्रीज द इंटरकोस्टल स्पेस, इससे क्या हो जाएगा बच्चों, टू इंक्रीज द इंटरकोस्टल स्पेस, टू इंक्रीज द इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल स्पेस क्या होगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा इंटरकोस्टल स्पेस, एंड आफ्टर दैट इजली
एंड इजली इंसर्टेड द नीडल, इजली इंसर्टेड द नीडल नीडल इनटू द प्लूरल स्पेस एंड प्रिवेंट फ्रॉम रिस्क ऑफ इंजरी, प्रिवेंट फ्रॉम ए रिस्क ऑफ इंजरी। और किससे प्रिवेंट किया जा सकता है बच्चों? रिस्क ऑफ इंजरी, किसके रिस्क से बच्चों? इंजरी के रिस्क के पेशेंट को बताया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। सबसे पहले कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करके चलेंगे बच्चों? अपन प्रोवाइड कर सकते हैं अपराइट पोजीशन, अपराइट पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। पोजीशन तो क्या करती है? प्रोवाइड करती है, साथ के साथ क्या इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को, जो बोथ हैंड्स है उनको एलिवेटेड करना है अबो द लेवल ऑफ ए शोल्डर, साथ के साथ टू इंक्रीज द इंटरकोस्टल स्पेस। कहां पर बच्चों इंक्रीज होगा? इससे क्या होगा? इंक्रीज द इंटरकोस्टल स्पेस होगा एंड इजिली इंसर्टेड द नीडल इनटू द प्लूरल स्पेस। और प्लूरल स्पेस के अंदर इजिली क्या किया जा सकता है? इंसर्टेड की जा सकती है नीडल एंड प्रिवेंट फ्रॉम रिस्क ऑफ इंजरी। और कौन से रिस्क अपन प्रिवेंट कर सकते हैं बच्चों? इंजरी के रिस्क अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन यदि अपन बात कर ले जाए सेकंड पोजीशन कौन सी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो अपन बात कर लेते हैं सेकंड कौन सी पोजीशन होगी बच्चों जो अपन प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। सेकेंड यदि बात कर ली जाए ऑर्थोपेडिक पोजीशन, ऑर्थोपेनिक ऑर्थोपेनिक पोजीशन पेशेंट सिट विद द हेल्प ऑफ ए कार्डियक टेबल। क्या होगा बच्चों? पेशेंट सिट विद द सपोर्ट, पेशेंट सिट विद द सपोर्ट ऑफ विद द सपोर्ट ऑफ सपोर्ट ऑफ कार्डियक टेबल, सपोर्ट ऑफ कार्डियक टेबल। यदि बात कर ली जाए बच्चों किसके सपोर्ट से? कार्डियक टेबल के सपोर्ट से क्या कर सकता है बच्चों? पेशेंट सिट कर सकता है, पेशेंट सिट विद द सपोर्ट ऑफ ए कार्डियक टेबल, कार्डियक टेबल का सहारा लेकर क्या कर सकता है पेशेंट? सिट कर सकता है। कौन सी पोजीशन? ऑर्थोपेडिक पोजीशन अपन प्रोवाइड कर सकते हैं थोरकोसेंटेसिस प्रोसीजर परफॉर्म करते टाइम। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए, थर्ड वन यदि अपन बात करके चले अनअफेक्टेड साइड पोजीशन, कौन सी पोजीशन बच्चों? पेशेंट लाइंग ऑन ए अनअफेक्टेड साइड क्या करना है बच्चों? पेशेंट को क्या करना है? लाइंग करना, लेटा देना है अनअफेक्टेड साइट एंड सेकंड क्या करना है बच्चों? देन रेज्ड या अपन बोल सकते हैं पुट द हैंड ऑफ पाम under the shoulder of other या अपन बोल सकते अदर साइड
यदि बात कर ली जाए बच्चों कौन कौन सी पोजीशन, सबसे पहले आप राइट पोजीशन अपन प्रोवाइड करके चल सकते हैं। सेकंड वन अपन ने बात की ऑर्थोपेडिक पोजीशन, कौन सी पोजीशन, ऑर्थोपेडिक पोजीशन भी अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर पेशेंट क्या होगा, सीट होगा विद द हेल्प ऑफ, विद द सपोर्ट ऑफ ए कार्डियक टेबल। किस किस सपोर्ट से बच्चों, कार्डियक टेबल की सपोर्ट से क्या होगा बच्चों, सीट होगा, बैठा हुआ होगा। यदि बात कर ली जाए नेक्स्ट वन, पेशेंट लाइंग ऑन अनअफेक्टेड साइड, सबसे पहले तो जैसे कि क्या है बच्चों, पेशेंट को क्या है राइट साइड में क्या है बच्चों, राइट साइड में क्या है बच्चों प्रॉब्लम है, उसे कौन सी पोजीशन, लेफ्ट पोजीशन अपन क्या करके चलेंगे, प्रोवाइड करके चलेंगे। साथ के साथ प्रोवाइड तो कर दी अनअफेक्टेड साइड, देन रेज, जो रेज होगा पुट हैंड ऑफ पाम, पुट ऑफ हैंड ऑफ ए पाम, जो हैंड को उसकी पाम को कहां रखना है, प्लेस करना है, जो शोल्डर होगा उसके नीचे, शोल्डर के नीचे अप्लाई करके चलेंगे। एंड आफ्टर दैट अफेक्टेड साइड, लास्ट में क्या करना है बच्चों, जो सेम हैंड उसको एलिवेटेड करना है, किसके बच्चों, अफेक्टेड साइड, देन अफेक्टेड साइड। यदि बात कर ली जाए तीनों के तीनों पोजीशन क्या है बच्चों, अपन प्रोवाइड कर सकते हैं कौन सा प्रोसीजर ड्यूरिंग द परफॉर्म प्रोसीजर थोरो को सेंटेसिस। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले बच्चों साइट, किसकी बात कर ली जाए, साइट ऑफ ए इंसर्शन, यदि इंसर्शन की बात कर ली जाए कौन सी साइट के ऊपर अपन इंसर्शन करके चलते हैं नीडल को, तो बात कर लेते हैं साइट ऑफ ए इंसर्शन, साइट ऑफ इंसर्शन। यदि बात करके चले बच्चों कौन सी साइट के अंदर अपन इंसर्ट कर सकते हैं, यदि बात कर ली जाए एयर, क्या है बच्चों, एयर को क्या करना है, एक्सपेक्ट करना है। यदि बात कर ली जाए एयर को एक्सेप्ट करेंगे तो कौन सी साइट से अपन कर सकते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस का यूज करेंगे बच्चों, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस का यूज करेंगे बच्चों। यदि क्या है फ्लूड को एक्सेप्ट करना है, एक्सपेल आउट करना है, बाहर निकालना है फ्लूड को, तो कौन से स्पेस के अंदर अपन नीडल इंसर्ट करके चलते हैं बच्चों, एट्थ तो नाइन्थ इंटरकोस्टल स्पेस। इफ ए, ध्यान से समझिएगा बच्चों, इफ ए इफ एस्केप द एयर, एस्केप द एयर, द एयर फ्रॉम प्लूरल स्पेस, प्लूरल स्पेस, then needle should be inserted, then needle should be inserted into the सेकेंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, इंटू द सेकेंड टू थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले बच्चों, यदि बात कर ली जाए नेक्स्ट वन क्या करना है बच्चों, इफ एक्सेप्ट द एफ एस्केप द फ्लोड, एस्केप द फ्लोड फ्रॉम द, फ्रॉम द, फ्रॉम द प्लूरल स्पेस, प्लूरल स्पेस, देन नीडल शुड बी इंसर्टेड, देन नीडल should be inserted into the eight to
नाइन्थ इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस। हमेशा याद रखना बच्चों, अपन बात कर रहे हैं इंसर्शन, साइट ऑफ इंसर्शन, कहां पर इंसर्ट करके चलेंगे नीडल। यदि बात कर ली जाए क्या है बच्चों, एस्केप हुआ है, किस चीज का एक्यूमुलेशन हुआ है प्लूरल स्पेस के अंदर है, एयर का एक्यूमुलेशन हुआ है, और अपन क्या परफॉर्म कर रहे हैं थोरोकोसिंथेसिस प्रोसीजर। थोरोकोसिंथेसिस प्रोसीजर को क्या करके चल रहे हैं बच्चों, अपन परफॉर्म करके चल रहे हैं उस चीज के अंदर। यदि अपन बात कर ली जाए अपन को किस को बाहर निकालना है, एस्केप करना है। एस्केप का मतलब बाहर निकालना, क्या होना बच्चों बाहर निकालना, किस चीज को बाहर निकालना है अपन को, एयर को बाहर निकालना है। यदि बात कर ले जाए एयर को बाहर निकालना है किससे, प्लूरल स्पेस से। कहां से बच्चों, प्लूरल स्पेस से बाहर निकालना है, तो नीडल शुड बी इंसर्टेड इनटू द सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। यदि बात कर ले जाए ओनली एंड ओनली एयर को रिमूव करना है, एयर को रिमूव करना है तो उस कंडीशन के अंदर है, तो नीडल होगी इसको इंसर्टेड करके चलते हैं कहां पर बच्चों, कौन से स्पेस के अंदर है, सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। नेक्स्ट यदि बात कर ले जाए इस एस्केप द फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल स्पेस, यदि एस्केप करना है किसको बच्चों, फ्लूइड को, किसको बच्चों, फ्लूइड को क्या करना है, एस्केप करना है। यदि एक्यूमुलेशन हुआ है फ्लूइड का, किसका बच्चों, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है किसके अंदर बच्चों, प्लूरल स्पेस के अंदर। यदि हाइड्रोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स की कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर यदि क्या करना है, एस्केप द फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल स्पेस, कहां से प्लूरल स्पेस से एस्केप करना है फ्लूइड को, तो अपन को नीडल कहां पर इंसर्ट करनी होगी, हमेशा याद रखना बच्चों 8 टू 9 इंटरकोस्टल स्पेस, 8 टू 9 से इंटरकोस्टल स्पेस। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पुट अप किए जा चुके हैं, वे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर तो मे बी हर साल ये किसी न किसी एग्जाम के अंदर पुट अप हो ही जाते हैं। मैं आपकी यदि बात कर ले जाए एग्जामिनेशन पैटर्न के अनुसार एमसीक्यूज क्वेश्चंस के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हो चुके हैं। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले बच्चों, यदि बात कर ली जाए दोनों के अंदर, यदि बात कर ली जाए 8 टू 9 इंटरकोस्टल स्पेस बिलो द स्कैपुला, किसके नीचे बच्चों, बिलो द स्कैपुला, हमेशा याद रखना सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस और 8 टू 9 इंटरकोस्टल स्पेस बिलो द स्कैपुला। कैपुला से क्या करना है बच्चों, ब्लो क्या करनी है, नीडल इंसर्ट करके चलनी है एयर को रिमूव करने के लिए सेकंड टू थर्ड, और किस रिमूव करने के लिए बच्चों, फ्लूइड को रिमूव करने के लिए 8 टू 9 इंटरकोस्टल स्पेस। नेक्स्ट वन अपन बात करने वाले हैं बच्चों क्वांटिटी ऑफ सैंपल, क्वांटिटी ऑफ ए सैंपल। यदि बात कर ली जाए, एक बात रह गई बच्चों मिस हो गई, यदि सेकंड और थर्ड और 8 टू 9 यदि बिलो द स्कैपुला अगर करते हैं तो इससे क्या होगा बच्चों, रिस्क ऑफ प्रिवेंट प्रिवेंट रिस्क ऑफ ए इंजरी, प्रिवेंट रिस्क ऑफ ए इंजरी, इंजरी के रिस्क से क्या किया जा सकता है बच्चों, प्रिवेंट किया जा सकता है। कब बच्चों, जब अपन क्या कर रहे हो फ्लूइड को एस्केप आउट कर रहे हैं 8 टू 9 इंटरकोस्टल स्पेस से, तो हमेशा बिलो द स्कैपुला, स्कैपुला का भी ध्यान रख के चलना होगा, स्कैपुला से बिलो ही करते हैं और इससे क्या करेंगे बच्चों, प्रिवेंट द रिस्क ऑफ ए इंजरी। नेक्स्ट में यदि अपन बात करके चले बच्चों क्वांटिटी, अगर बात कर ली जाए कितनी क्वांटिटी के अंदर अपन को सैंपल या अपन फ्लूड, डायग्नोस्टिक के लिए अलग है बच्चों, थेरेप्यूटिक पर्पज के लिए अलग है, तो हम पूर्ण बात कर लेते हैं बच्चों क्वांटिटी ऑफ सैंपल, क्वांटिटी ऑफ ए सैंपल क्वांटिटी ऑफ सैंपल। यदि बच्चों बात कर ली जाए क्वांटिटी ऑफ सैंपल की, अगर बात कर ली जाए फर्स्ट वन फॉर 20 टू 30 ml, 20 टू 30 ml फ्लूइड कलेक्शन, फ्लूइड कलेक्शन, फ्लूइड कलेक्शन फॉर फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज, डायग्नोस्टिक
फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज। हमेशा याद रखना बच्चों, नॉर्मल वैल्यू कितनी बताई थी बच्चों, 10 to 15 ml। यदि बात कर ली जाए डायग्नोस्टिक पर्पज, अपन क्या करें डायग्नोसिस के लिए क्या कर रहे हैं बच्चों, कलेक्शन कर रहे हैं फ्लूड का, कहाँ से, प्लूरल स्पेस से। तो हमेशा याद रखना जो अमाउंट होगी, जो क्वांटिटी होगी, वह सैंपल की कितनी होगी बच्चों, 20 to 30 ml, 20 to 30 ml। नेक्स्ट में यदि अपन बात करके चले 1000 to 1200 ml फ्लूड कलेक्शन फॉर थेरेप्यूटिक पर्पज। फ्लूड कलेक्शन फ्रॉम ए प्लूरल स्पेस, कलेक्शन फ्रॉम प्लूरल स्पेस फॉर थेरेप्यूटिक पर्पज। थेरेप्यूटिक थेरेप्यूटिक पर्पज, यदि बात कर ली जाए बच्चों थेरेप्यूटिक पर्पज किस चीज के लिए, थेरेप्यूटिक पर्पज के लिए किसी डिजीज कंडीशन को क्या करना है, अपन को ठीक करना है। क्या करना है, ठीक करना है। क्या हुआ है, हाइड्रोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स हुआ है। उस कंडीशन के अंदर यदि बात कर ली जाए तो कितना ml, अपन क्वांटिटी की बात कर ली जाए सैंपल के लेके चलेंगे बच्चों, 1000 to 1200 ml, 1000 to 1200 ml क्या लेंगे बच्चों, फ्लूड का कलेक्शन करेंगे, कहां से, प्लूरल स्पेस से, कहां से, प्लूरल स्पेस से, फॉर थेरेप्यूटिक पर्पज। डायग्नोस्टिक के लिए हमेशा याद रखना 20 to 30 ml, 20 to 30 ml। नेक्स्ट में यहां पे बात कर ली जाए कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की अगर बात कर ली जाए, थोरोकोसेंटेसिस प्रोसीजर से क्या हो सकती है बच्चों, नेमोथोरेक्स, नेमोथोरेक्स बात कर लेते हैं, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू द थोरेकोसेंटेसिस प्रोसीजर, थोरेकोसेंटेसिस प्रोसीजर क्या होगी बच्चों, नेमोथोरेक्स, क्या हो सकता है बच्चों, नेमोथोरेक्स। एयर का क्या हो सकता है, एक्यूमुलेशन हो सकता है, कहां पर बच्चों, प्लूरल स्पेस के अंदर। यही क्या रहेगी, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रहेगी किसकी बच्चों, थोरोकोसेंटेसिस प्रोसीजर की। अपन ने यह कंप्लीटली जान लिया बच्चों किसके बारे में बच्चों, प्लूरल इफ्यूजन या थोरोकोसेंटेसिस प्रोसेस। अपन ने बात की प्लूरल इफ्यूजन क्या होगा, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होना फ्लूड का, कहां पर बच्चों, प्लूरल स्पेस के अंदर, नॉर्मल होता है 10 to 15 ml। थोरोकोसेंटेसिस की प्रोसीजर के अंदर क्या करके चलते हैं बच्चों, ए स्मॉल नीडल इंसर्टेड इनटू द प्लूरल स्पेस, कहां पर बच्चों, प्लूरल स्पेस के अंदर एक स्मॉल नीडल को इंसर्ट करते हैं थ्रू द चेस्ट वॉल, किसके द्वारा, चेस्ट वॉल के द्वारा। नेक्स्ट में अपन ने बात की बच्चों पर्पज क्या रहेगा, या तो अपन कर सकते हैं बच्चों डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए, या अपन बोल सकते हैं थेरेप्यूटिक पर्पज के लिए ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट में यदि अपन बात करके चले बच्चों किस चीज के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इंडिकेशन कौन कौन से ऐसे केसेस होंगे जिसके अंदर अपन परफॉर्म कर सकते हैं थोरोकोसेंटेसिस, हेमोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स एंड निमोथोरेक्स, थ्री कंडीशन के बारे में अपन ने बात की। नेक्स्ट में पूरे बात की नेक्स्ट में अपन ने बात की बच्चों इंडिकेशन कौन कौन से ऐसे केसेस होंगे जिसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, थोरोकोसेंटेसिस कर सकते हैं, हीमोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स, निमोथोरेक्स। आर्टिकल्स की बात की, 16 गोज नीडल यूज करनी है, नीडल कैसी होनी चाहिए बच्चों, थिक होलो नीडल होनी चाहिए। नेक्स्ट वन अपन ने बात की बच्चों स्टेथोस्कोप का यूज करना है, क्यों करना है, यूज फॉर ए प्रॉपर साइट, एसेस प्रॉपर साइट को एसेस करने के लिए। नेक्स्ट वन अपन ने बात की बच्चों बीटाडीन और स्पीड, सॉरी बच्चों एक बात रहेगी बीटाडीन एंड स्पीड भी लिख लेना, उसका भी यूज कर सकते हैं बच्चों, यूज करना ही होता है, क्लिंडा साइट, क्लिंडा साइट। नेक्स्ट वन अपन ने बात की बच्चों
एक्सरे, किसके भी तो एक्सरे परफॉर्म किया जाता है एक्यूरेट साइट जानने के लिए। एंटीकोगुलेंट के रूप में सोडियम सिट्रेट को यूज करके चलते हैं। बताओ पोजीशन की बात की, पोजीशन कौन कौन सी पोजीशन है। फर्स्ट वन अपन परफॉर्म कर सकते हैं अपराइट पोजीशन, अपराइट पोजीशन कर सकते हैं। और क्या करना होगा, एडवाइस करने होगा, इंस्ट्रक्ट करना होगा पेशेंट को, क्या रखना है बच्चों, जो हैंड होंगे बोथ हैंड्स अबव द लेवल ऑफ ए शोल्डर, इससे क्या होगा इंक्रीज होगा इंट्राकोस्टल स्पेस और इजिली क्या कर सकते हैं इंसर्ट कर सकते हैं नीडल और प्रिवेंट कर सकते हैं स्कोप ए इंजरी। नेक्स्ट वन ऑर्थोपेनिक पोजीशन अपन प्रोवाइड कर सकते हैं, पेशेंट क्या होगा सीट होगा विद द हेल्प ऑफ ए कार्डियक टेबल। नेक्स्ट वन अपन ने बात की बच्चों अनअफेक्टेड साइड में क्या करेंगे, लाइंग करेंगे और साथ के साथ जो पेशेंट का हेड होगा उसको प्लेस करेंगे कहां पर बच्चों, हेड ऑफ पाम को अपोजिट साइड शोल्डर, अपोजिट साइड शोल्डर के नीचे क्या करके चलेंगे प्लेस करके चलेंगे आफ्टर हेड क्या करना है अफेक्टेड साइड। नेक्स्ट वन अपन ने बात की बच्चों साइट सिलेक्शन, किसकी बात की बच्चों तो साइट फॉर इंसर्शन की अगर बात की बच्चों, कहां पर यदि एयर को क्या करना है बच्चों एस्केप आउट करना है, एयर को एस्केप आउट करना है तो उसके अंदर यदि बात चली जाए कौन से स्पेस के अंदर, सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर अपन नीडल इंसर्ट करके चलेंगे। यदि बात चली जाए अपन को फ्लूड को रिमूव करना है, फ्लूड को रिमूव करना है तो उस कंडीशन के अंदर यदि बात कर ली जाए तो क्या करके चलेंगे बच्चों, यदि क्या करना है फ्लूड को एक्सकेप आउट करना है तो 8 to 9 इंटरकोस्टल स्पेस, 8 to 9 इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर यदि बात कर ली जाए। नेक्स्ट वन अपने बात की क्वांटिटी, क्वांटिटी के अंदर अपने बात की यदि थेरेप्यूटिक पर्पज है तो 1000 to 1200 ml, यदि कौन सा पर्पज के डायग्नोस्टिक पर्पज की अपन बात करें, इन्वेस्टिगेशन की अपन बात कर रहे हैं तो ओनली एंड ओनली 20 to 30 ml। नेक्स्ट वन अपने बात की बच्चों मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू थोरोकोसेंटेसिस प्रोसीज न्यूमोथोरेक्स, कलेक्शन ऑफ एयर, कलेक्शन ऑफ एयर इन टू द प्लूरल स्पेस, इन टू द प्लूरल स्पेस। नेक्स्ट वन अपन बात करने वाले बच्चों रेनल बायोप्सी, किसकी बात करने वाले हैं रेनल बायोप्सी।